नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नई और अनोखी स्वादिष्ट हेल्दी मखाना चॉकलेट रेसिपी। क्या आपने कभी सोचा है कि मखाने से बनी चॉकलेट कितनी स्वादिष्ट हो सकती है? और मखाना चॉकलेट बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो मैं हूँ सुप्रिया सिंह और स्वागत है आपका SS किचन में। तो चलिए बनाते हैं इस आसान सी रेसिपी को। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राई पैन को गैस पे गर्म होने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन गर्म हो जाए तो इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। मखाना चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप यहाँ पे मखाना लेंगे। मखाना आप यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम फ्राई पैन में रखेंगे। मखाने को हमें 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इसे रोस्ट करना है। अगर आपको यहाँ पे घी खाना पसंद न हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और मखाने को डायरेक्ट आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। मखाने का सेवन सभी को डेली लाइफ में करना चाहिए। मखाने में अच्छी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, आयरन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। हमें मखाना को रोस्ट करना जरूरी है। अगर इसे हम रोस्ट नहीं करेंगे और इसका चॉकलेट बनाएंगे तो ये चॉकलेट सॉफ्ट हो जाएगा खाने में। अगर आप इसे रोस्ट करके चॉकलेट बनाते हैं तो ये चॉकलेट प्योर क्रंची खाने में लगेंगे। जब मखाना गोल्डन कलर का हो जाए तब गैस को हम बंद कर लेंगे और इस मखाने को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब मखाने को हम ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मखाने को हमने ज्यादा रोस्ट नहीं किए हैं। मखाने को हमें थोड़ा गोल्डन होने तक ही रोस्ट करना है। अब हमें चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेंगे और इसे गैस पे गर्म होने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम चॉकलेट को तोड़ लेंगे। तो इसी प्रकार से हमें सभी चॉकलेट को तोड़ लेना है। यहाँ पे हमने डेयरी मिल्क चॉकलेट लिए हैं। आप अपने पसंद के चॉकलेट ले सकते हैं। चॉकलेट को हमें इसलिए तोड़ना है कि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। तो हमने सभी चॉकलेट को तोड़ लिए हैं। अब पानी गर्म हो गया है तो कढ़ाई के ऊपर एक हम पैन रखेंगे। इस प्रकार से हमें चॉकलेट को डायरेक्ट गैस पे मेल्ट नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट मेल्ट करिएगा गैस पे तो चॉकलेट जल जाती है और तीखा हो जाएगा। तो हमें चॉकलेट को डबल प्रोसेस से ही मेल्ट करना चाहिए जिससे कि हमारे चॉकलेट का टेस्ट अच्छा रहे। अब हम सभी चॉकलेट को पैन में डालेंगे और इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। गैस का फ्लेम इस टाइम हम लो रखेंगे और हमें चॉकलेट को कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अब चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है तो गैस को अब हम बंद कर लेंगे। बहुत टाइम मखाना खाना बच्चों को पसंद नहीं होता है, बट आप इस तरह से मखाने का चॉकलेट बना के देंगे तो सभी बच्चे इसे खाना पसंद करेंगे। यहाँ पे हमने गैस को बंद कर चुके हैं और अभी भी हम गर्म पानी के ऊपर ही चॉकलेट को रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि चॉकलेट अब पूरी तरह से अच्छे से मेल्ट हो गया है। इस टाइम हम रोस्ट किए हुए मखाने को चॉकलेट में ऐड करेंगे और इसे चॉकलेट के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। गर्म मखाने को हम चॉकलेट में नहीं डालेंगे, जब मखाना हमारा ठंडा हो जाए तभी हम इसे चॉकलेट में डालेंगे। अगर आप इसे गर्म में ही डालेंगे तो चॉकलेट तो खुद ही मेल्ट है, मखाना के गर्म होने की वजह से और ज्यादा मेल्ट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर एक बटर पेपर को रखेंगे इस प्रकार से, और बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि हम गैस को पहले ही बंद कर दिए थे और मखाना रखने का जो प्रोसेस है वो हम गैस बंद करने के बाद ही किए हैं और गर्म पानी के ऊपर रख के ही किए हैं। हमने सिर्फ गैस को बंद किए हैं बट गर्म पानी के ऊपर से पैन को हमने नहीं हटाया है। अगर आप पैन को हटा दीजिएगा तो जो मखाना के चॉकलेट है वो थोड़ा जल्दी ही हार्ड हो जाती है, इसलिए हम इसे गर्म पानी के ऊपर ही रखेंगे जब तक कि इसे हम एक प्लेट में ना रख लें। अब यहाँ से हम गर्म पानी के ऊपर से पैन को हटा लेंगे। अब हम बटर पेपर पे चॉकलेट को डालेंगे। हम चॉकलेट को अच्छे से फैला के रखेंगे, चॉकलेट एक के ऊपर दूसरा ना हो। अगर बटर पेपर ना हो तो डायरेक्ट हमें प्लेट पे ही थोड़ा सा घी लगा लेना है इस प्रकार से, और इसके ऊपर हमें सभी चॉकलेट को डालना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो आपका हेल्दी और स्वादिष्ट मखाना चॉकलेट बनके तैयार है। तो चॉकलेट को हमें थोड़ा सा गार्निश कर लेना है जिससे कि इसका लुक और अच्छा दिखे। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, साथ साथ हेल्दी रेसिपी भी है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है ये रेसिपी। तो अब हम सभी चॉकलेट को 1 घंटा के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए डाल देंगे।
तो अब हमारा चॉकलेट पूरी तरह से बनके तैयार है। आप इसे बहुत ही इजी वे में तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं और आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं कितना क्रंची बनके तैयार हुआ है। तो मिलते हैं आपसे एक यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।